हम 2013 का सूरज नहीं देखेंगे। इन सारे सवालात के जवाब आ जाएंगे दस्तक के बाद विद साहिर। Once again, ladies and gentlemen, Nostradamus एक ऐसा नाम है जिसने predictions दी थी, बहुत सारी predictions दी थी 1555 से लेकर 1567 तक, 66 तक Nostradamus की predictions जो थी वो जारी रही थी। आइए देखते हैं कि Nostradamus ने क्या कहा है। Of course, Nostradamus को तारीख prophet भी मानती है, उसकी प्रोफेसी भी कही जाती है। 1555 में उसने अपनी प्रोफेसीज के बारे में लिखना शुरू किया था। कैटाक्लिज्मिक इवेंट्स, इसके बारे में इसने लिखा। बहुत सारी चीजें जो नोस्ट्रेडेमस ने कही वो ठीक हो गईं। इवन उसने अपने मरने के बारे में प्रिडिक्ट किया था, फिर ये भी प्रिडिक्ट किया था कि उसकी लाश को कब निकाला जाएगा, दोबारा से उसको एग्ज्यूम्ड किया जाएगा। जब उसको एग्ज्यूम किया गया तो उसके गले में एक तख्ती पड़ी हुई थी जिसपे 1700 लिखा हुआ था। उसकी जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हो, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हो, या फिर लेडी डायना के बारे में हो, वो JFK के बारे में हो, रॉबर्ट एफ कैनेडी के बारे में हो, JF कैनेडी जूनियर के बारे में हो, या फिर 9/11 के बारे में हो, लंदन की फायर के बारे में हो, टाइटैनिक की सिंकिंग के बारे में हो, नोस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस जो हैं वो साबित हुई। सो मच सो वी ऑल नो द नेम ऑफ लुई पास्टर, साइंटिस्ट। लुई पास्टर का नाम तक नोस्ट्रेडेमस ने प्रिडिक्ट किया था। सो मच सो वो आदमी जो लेडी डायना के क्रैश में बचा है, उसका लास्ट नेम था रीस। अगर रीस को उल्टा पढ़ा जाए तो क्लूज कहते हैं कि इट्स कॉल्ड सेर, SEER, जो कि नोस्ट्रेडेमस का आखिरी नाम था। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डज नोस्ट्रेडेमस सेज? डज ही टॉक अबाउट द डूम्सडे? डज ही रियली सेज कि कयामत आ जाएगी? गेस व्हाट, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। जज्वी तौर पे वो जरूर कहता है कि कयामत आएगी। उसने सुनामी के बारे में प्रेडिक्शन किया था, एंटी क्राइस्ट के बारे में कहा है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, नोस्ट्रेडेमस ने, लाइक आई सेड, 9/11 के बारे में प्रेडिक्शन कोई की थी, नोस्ट्रेडेमस ने एक बात जरूर कही। एंड बाय द वे, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट। नोस्ट्रेडेमस ने एक बात जरूर कही है, 2015 का एक तूफान प्रेडिक्ट किया। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट मीन्स अगर नोस्ट्रेडेमस सही भी है तो फिर 2015 अभी आना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सदाम हुसैन के बारे में नाम लिया, या बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं जो नोस्ट्रेडेमस की हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लेट्स कम टू यू। एज फार एज ओबामा के बारे में, तो वो तो हॉलीवुड ने प्रेडिक्शन दे दी थी। I don't believe that was Nostradamus. It was pre-decided. And बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में, काश मैं पॉलिटिकल शोज़ करता, लेकिन मेरे पॉलिटिकल शोज़ करने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवील हो जाएं जो शायद दूसरों को काबिले कबूल ना हो। I can honestly say कि अगर हम पॉलिटिकल शोज़ करें तो बहुत डिफरेंट होंगे। मैं आपका परसेप्शन चेंज कर दूँगा। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम अपने दोबारा शो की तरफ जाएं, कभी गौर करके देखिएगा कि आपके साथ होता क्या है। कभी ज़िंदगी ने मौका दिया मुझे तो मैं एक शो करूँगा जो कार्लाइल ग्रुप पे होगा। कार्लाइल ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, जिसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं, जॉन मेजर, मार्गरेट थैचर, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, जिम बेकर, ये बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और हैरतअंगेज़ बात यह है कि इस कार्लाइल ग्रुप के सबसे बड़े इन्वेस्टर बिन लादन ग्रुप है, 24%। तक के बाद उत्साह।